हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? फाइन होंगे एंड वेलकम टू सन लाइक फॉर यू। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। हाँ, तुलसी से कैसे मिले। तुलसी से करने का सबसे सिंपल तरीका, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है कि एक प्रोडक्ट से तुलसी से कैसे करते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आपको क्या पता एक प्रोडक्ट से आपकी तुलसी से हो जाए। जैसे यदि उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो ये आपके लिए वीडियो है और बेस्ट है। तो वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोज में सब मोटिवेशनल वीडियोज या फिर बिजनेस को लेके वीडियोस बनाते रहो। तो तुलसी से कैसे करते हैं ना, तुलसी से करने सबसे पहले रामबाण इलाज। अपने पास कॉफी उठाओ और पेन उठाओ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉफी उठाओ, पेन उठाओ। उसमें सबसे पहले आप बनाओ लिस्ट। लिस्ट काहे की बनाओगे? अपने जो रिलेटिव है उनकी लिस्ट बनाओ, जिनको आप जानते हो, आपके कॉन्टेक्ट पे है, इंस्टाग्राम पे हो, एफबी पे हो, व्हाट्सएप पे हो, कॉन्टेक्ट कहाँ भी जो जिनसे आप उनको जानते हो, जहाँ जहाँ आपका कॉन्टेक्ट है उन सबकी एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, उनके एक तरफ नाम लिख लो, एक तरफ कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो। अब सबके लिख लिया नाम, अब उनमें से भी आपको छांटना पड़ेगा। कैसे छांटना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपको अच्छे से जानते हैं, जिनको आप जो मतलब आपके ट्रस्ट करते हैं, उनकी लिस्ट अलग बनाओ। जो मतलब फैमिली वाले हो गए, मामा बुआ, ये सब उसमें आगे जो आपके ट्रस्ट कर सकते हैं इनकी लिस्ट अलग बनाओ। और जो आपको सिर्फ नॉर्मल जानते हैं, कम जानते हैं, उनकी लिस्ट अलग बनाओ। ठीक है, और जो आपको बिल्कुल जानते नहीं, बस हाँ ये है कि हाँ इनका नाम ये है और इनका नाम ये है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल न के बराबर आपकी जानकारी, बस आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, इंस्टा पे नॉर्मली गुड मॉर्निंग हो जाती है, उनकी लिस्ट अलग बनाओ। तो तीन लिस्ट आपके पास हो गए। एक तो वो जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं। सेकेंड वो जो आपको कम जानते हैं। ठीक है, थर्ड वो जो बिल्कुल आपको जानते नहीं, बस इतना है कि हाँ आपका नाम ये है, इतना जानते हैं। सबकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, अलग अलग लिस्ट हो गई। सबसे पहले बड़ी लिस्ट बनाओ सबके नंबर एक साथ, उसके बाद तीन लिस्ट बनाओगी। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप? जो आपकी फर्स्ट लिस्ट है, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके रिलेटिव हुए, आपके मामा बुआ जो भी ये सब चीजें ना, उनकी लिस्ट में आप क्या करोगे? अब आपको इतना माइंड तो आपको लगाना पड़ेगा विद प्रोडक्ट्स नॉलेज कि आपकी फैमिली में जो आपके पे ट्रस्ट करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। किसी की शुगर हो रहा होगा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट किसी ना किसी के घर में हर प्रॉब्लम कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाती है, जैसे शुगर, बीपी, किसी ग्रुप में प्रॉब्लम होती है, किसी के मसूड़े छिल रहे हैं, खून आता है, पता नहीं बवासीर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल ही जाती है ना, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आपको ढूंढनी है। सबसे पहले कौन सी लिस्ट ढूंढोगे? जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका बहुत मतलब 50% काम आपका वही हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1 cc का काम आपका वही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लिस्ट पे जाओगे आप। ठीक है ना, उसमें जाके देखो कि आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको किस चीज़ की नीड है, कौन से प्रोडक्ट की नीड है, किस किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, किसी के क्या और किसी के बाल झड़ते हैं, बहुत सारे किसी के डैंड्रफ हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है ना अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्किल में भी ना, तो उनको वो प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, उनके बारे में उनको बताओ विथ नॉलेज, आप में नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, तब आपको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि हैवी प्रोडक्ट है ना, तब कोई लेगा नहीं। जब तक आप उनका बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ले नहीं पाएगा कोई। ठीक है, तो नॉलेज होनी चाहिए आपको बताने से पहले। ठीक है, थर्ड लिस्ट है और आपका 75% कामयाबी हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, ये होगा तो भी मैं अभी रामपाल लाल बता रहा हूँ, मतलब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो जो थर्ड लिस्ट है आपकी, उसमें अब आप उनसे सीधा प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं है, आप जाओगे प्रोडक्ट के बारे में बता दोगे नहीं, आराम से उनसे पहले व्यवहार बनाओ, बातचीत स्टार्ट करो, 2-3 दिन उनसे बातचीत करते हो, उनको ऐसा लगा कि वाह हाँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत वो है, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताना है, समझो मेरी बात को। तो तीन लिस्ट है, तीनों लिस्टों का काम हो गया। पहले लिस्ट में तो आप सीधा बता दो कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए आप बता रहे हो सीधा। सेकंड लिस्ट में आप फ्रेंडली बात करते करते बता दोगे कि तेरे पिंपल्स हो रहे, वो हो रहे, ये हो रहे, ये ले ले, तो तेरा काम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास करो। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट है, उसमें क्या करोगे? पहले आप कॉन्टैक्ट बनाओगे, अपना व्यवहार बनाओगे, उसके बाद फिर बोलोगे, समझ रहे हो ना? दूसरे से कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर होंगे और उनके नाम होंगे, और फिर उनको बताना है इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम नहीं है, उनको शेयर करना है। इसमें रिकमेंड करने के पैसे होते हैं, इसमें पर अपन पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। इसमें फॉर एवर ये बोलती है कि 0 इन्वेस्टमेंट पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, फिर आपको स्ट्रगल करना होता है, समझ में बात करो। तो इसमें रिकमेंड करने के आपको पैसे मिलते हैं, और तो आपको समझ आएगा तो इससे कैसे कर पाओगे ना। और इससे भी जो ईजी है, तो मैंने बताया कि एक वन प्रोडक्ट से आप चूज से कर सकते हो, तो आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो ये आपकी ट्रिक कैसे लेगी, लिस्ट वाली लिस्ट बनाना और सबसे कॉन्टेक्ट करना, आराम से। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर बोलूँगा।